तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या दोस्तों, आप भी चाहते अपने जो फेसबुक अकाउंट का जो नेम है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप अपने जो फेसबुक अकाउंट का जो प्रोफाइल नाम है उसको आप बदलना चाहते हो और आप नहीं जानते नहीं क्या आखिर किस तरह से हम अपने जो फेसबुक प्रोफाइल का जो अकाउंट नेम है उसको किस तरह से चेंज कर सकते। तो दोस्तों डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में इसे आसान और जेन्युइन तरीके बताएंगे ना, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आप बहुत इजीली अपने जो फेसबुक का जो नेम है उसको आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करना है, किस तरह से करना है, इस वीडियो में पूरे लाइव प्रूफ बताएंगे, पूरे ए टू जेड दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक वॉच कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा और प्यारा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो टेक यूट्यूब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक रिलेटेड वीडियो में जितना भी अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों सबसे पहले आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते ही। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो फेसबुक एप्लीकेशन है वो दोस्तों अपडेट है या नहीं, उसके लिए दोस्तों आप क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर में चले जाइएगा और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अगर आपका जो फेसबुक अपडेट नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने से क्या होगा, यानी कि दोस्तों मैं जो दिखाऊंगा आपको सेम टू सेम आपके मोबाइल में भी वर्क करेगा और जो सेटिंग है वो भी सेम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बैक चले जाना है और आपको क्या करना होगा, अपडेट करने के बाद आप अपना जो फेसबुक एप्लीकेशन इसको ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पहले जो सेटिंग यानी कि दोस्तों जो चेंज करने का जो तरीका वो थोड़ा बहुत ही कठिन था, लेकिन दोस्तों आप बहुत ही सिंपल हो चुका है। यहाँ पर देखा अगर आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आता था, लेकिन दोस्तों आप बहुत ही इजी कर दिया है। उसके लिए दोस्तों आपको सीधे से यहाँ पर सेटिंग वाले लोगो एक नया ही ऐड कर दिया, अगर आप वहाँ पर क्लिक करते तो दोस्तों डायरेक्ट आप इस पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सी मोर इन अकाउंट सेंटर आपको सीधे से यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने में दोस्तों आपको नीचे में नहीं आना है, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको सीधे से क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोफाइल नेम है वो यहाँ पर जो है करंटली वो यहाँ पर दिखाई देगा। चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डेजर ऑप्शन आ चुका है, पहला नेम, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद है प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद है अवतार। तो दोस्तों हम फिलहाल अपना प्रोफाइल का नेम चेंज करेंगे, वो भी दिखा देते। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने में दोस्तों अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर आपका मिडिल नेम भी है तो वो भी यहाँ पर बॉक्स एक अलग से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा जो नेम है वो रोनी दास से, यानी कि दोस्तों मेरा फर्स्ट और सेकंड नेम यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसको चेंज करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर रोनी है, तो दोस्तों चेंज ओल्डर एंड नेम ऑफ नेम। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर यहाँ से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो न्यू नेम है वो एंटर कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर भी देखिए एक साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर आप अगर आप एक बार चेंज कर लेते ही और चेंज करने के बाद दोस्तों आप 60 डेज के बाद ही आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप एक बार चेंज करते हैं उसके बाद दोस्तों आप दो महीने के अंदर उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अकाउंट है, मैंने कुछ दिन पहले अपना जो प्रोफाइल नेम उसको चेंज किया है, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज करना चाहता हूँ तो दोस्तों अगर आप चेंज करने के बाद भी आप दो महीने के पहले ही अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां पर क्या कर पाएंगे, आपका जो नेम है उसको आप उल्टा पलटा कर सकते, यानी कि आप उल्टा पलटा कर सकते, लेकिन दोस्तों आप अपना जो नेम है उसको आप अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको
दो महीने या फिर 60 डेज आपको वेट करना पड़ेगा तभी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एडिट किया है यानी कि दोस्तों फर्स्ट टाइम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर अपना न्यू नेम डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करते आपका जो प्रोफाइल का जो नेम है यानी कि दोस्तों आपका जो फेसबुक अकाउंट का जो नाम है वो बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। तो और दोस्तों आज के से इतना वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो तरीका बताया अगर आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल और नॉलेजेबल ट्रिक हुआ है तो दोस्तों वीडियो में एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी हमें एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि उस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो ला सके। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही था, फिर मिलते हैं इसे एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।